नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, YouTube की तरफ से पांच बड़े अपडेट आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, और ये अपडेट कौन से हैं और इन अपडेट से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली। दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा तभी आपके समझ आए। दोस्तों, वीडियो सुनना रुका है, आप चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने साथ अपने दोस्तों में शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक सपोर्ट से। लिया आज कुछ नया जानने थे। तो दोस्तों, YouTube आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता है, लेकिन YouTube ने की तरफ से अब बड़े पांच बड़े अपडेट आ चुके हैं और ये अपडेट काफ़ी कमाल के होने वाले हैं और इनको अपडेट आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे और देखने को में काफ़ी काम के होने वाले। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अपडेट कौन कौन। दोस्तों, सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जब आप यूट्यूब एप्लीकेशन को आप ओपन करते थे और आपको प्लस आइकन में वीडियो को अपलोड करते थे, वहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सामने इंटरफेस आता था इनके, सबसे पहले वीडियो उसका, फिर नीचे शॉर्ट का, उसके बाद लाइव स्ट्रीम का और सबसे नीचे पोस्ट का ऑप्शन आता था। लेकिन अब यूट्यूब को धीरे धीरे इसको चेंज करने वाला है, यानी कुछ लोगों को ये फीचर मिल चुका है। तो दोस्तों, अब जो फीचर है, यदि आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करोगे और प्लस के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले वीडियोज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा और तीसरे नंबर पर आपको लाइव स्ट्रीम का और चौथे नंबर पर आपको कम्युनिटी पोस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इनके सीधी लाइन में आपको दिखाई देंगे, पहले ऊपर नीचे दिखाई देते हैं लेकिन अभी आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा अपडेट है और कुछ लोगों को यह अपडेट मिल चुका है। दोस्तों, अब बात करें दूसरे अपडेट, दूसरा अपडेट जो निकल के आ रहा है, पहले जो होता था या आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते थे और यूट्यूब को आप खोलते थे तो आप पे लोगो यानी कि आप पे जो फोटो प्रोफाइल पिक्चर होती थी और ऊपर दिखाई देती थी, यानी कि ऊपर साइड में दिखाई देती थी, लेकिन अब यूट्यूब ने इसको भी चेंज कर दिया, यानी कि नया अपडेट आ चुका है। अब आप जो यूट्यूब को अपडेट करोगे अपने यूट्यूब ऐप को तो आप अपडेट करने के बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर या आपका यूट्यूब चैनल का लोगो नीचे दिखाई देगा, यानी कि आपका यू के नाम से आपका लोगो दिखाई देगा और आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको देखिए योर चैनल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपके वहाँ पर मैनेज चैनल कर सकते हैं, स्विच अकाउंट यानी कि उस पर क्लिक करके आप दूसरे चैनल पर आप लोग लॉगआउट और लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी अच्छा कमाल का फीचर है कि अब आपको लोगो और फ्यूज अकाउंट सभी एक साथ मिलने वाले हैं, जो कि लोगों के साथ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें तीसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है कि जब आप किसी के वीडियो को देखते थे और कि आपको वह वीडियो अच्छी लगती थी तो आपको वहाँ पर लाइक का बटन आता था, आप किसी की वीडियो को लाइक करते थे तो वहाँ पर एक तरीके का सेलिब्रेशन होता था, यानी कि फुलझड़ियाँ सी उड़ती थी। अब इसी प्रकार YouTube ने एक और अपडेट, कमाल का अपडेट आ दिया है। यदि आप किसी की वीडियो को देखोगे और किसी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर भी आपको सेलिब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आप किसी भी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस तरीके से सेलिब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि फुलझड़ियाँ सी उड़ेंगी और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, काफ़ी कमाल का अपडेट है। यदि आपको ये अपडेट मिल चुका है तो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं यानी कि चौथा अपडेट मिलने वाला है, चौथा अपडेट जो यूट्यूब लॉन्च करने वाला है तो काफ़ी कमाल का अपडेट है। यानी कि आप किसी की वीडियो को देखते थे और किसी का कंटेंट आप देख रहे हो और गलती से आपका उस वीडियो पर क्लिक हो गया या कहीं और आपका हाथ लग गया तो वह वीडियो कट हो जाती है, यानी कि कट हो जाती थी और कोई और सी वीडियो चालू हो जाती थी। तो यूट्यूब अब ने एक अपडेट लॉन्च कर दिया है, धीरे धीरे ये अपडेट सभी को मिल जाएगा कि आप अपनी वीडियो, जो भी वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पर ऑनलाइन देखोगे तो उसको आप लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप लॉक सेटिंग पर क्लिक करके उसको लॉक कर दीजिए। आप कहीं भी स्क्रीन पर टच कर सकते हो, आपकी वीडियो कट नहीं होगी और आपकी कोई भी वीडियो वहाँ पर नहीं चलेगी, जो वीडियो आपको देखोगे केवल वही वीडियो आपके सामने दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो की लॉक कर सकते हो और आप इसको भी देख सकते हो। दोस्तों, बात करें पांचवा अपडेट काफ़ी अच्छा है। जब आप किसी की वीडियो को देखते थे और वीडियो को आप सुनते थे तो वहाँ पर देखिए आप उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते थे, यानी कि आपको 2x फिर 5x 3x तक देख सकते थे, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा सकते थे। तो वह स्पीड आपको सेटिंग में जाना होता था और वहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल पर आपको ओके करके उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन अब यूट्यूब ने इसको काफ़ी आसान कर दिया है। अब आप यूट्यूब वीडियो को किसी को देखोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको उस वीडियो पर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि जब वीडियो चल रही होगी आपकी स्क्रीन पर तो उस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उस वीडियो की जो स्पीड होगी वो दुगनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी और काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको भी फॉलो या यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इनमें से कौन सा अपडेट अच्छा लगा प्लीज़ हमें कमेंट जरूर बता सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सा भी अपडेट आपको मिल चुका है तो इसको भी हम आप बता सकते हैं। दोस्तों, अपडेट कैसा लगे प्लीज़ हमें कमेंट जानकर थोड़े से वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।